नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका संत कर्मा बायोलॉजी क्लासेज में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की सीरीज चला रखी है और टेक्सोनॉमी यूनिट को शुरू कर रखा है अपन ने बायोलॉजी के पोर्शन से। टेक्सोनॉमी यूनिट के अंदर काफी सारे वीडियो अपन पहले कर चुके हैं। मोनेरा किंगडम है उसको पढ़ रहे हैं, आर्क बैक्टीरिया पढ़ लिया, यू बैक्टीरिया में अपन थे और यू बैक्टीरिया के बाद में अपन ने किसको लेना है, माइकोप्लाज्मा को लेना है। माइकोप्लाज्मा को माइकोप्लाज्मा के अलावा कुछ और नाम से भी जाना जाता है, वो आप यहां पर पहले समझ लीजिए। पहला नाम है इसका सेल वॉल लेस प्रोकैरियोट, दूसरा नाम है इसका, इसी के कारण इसको बोल देते हैं कोटलेस बैक्टीरिया या कोटलेस ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हो इसको, तीसरा नाम है इसका पीपीएलओ प्लूरो निमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म, तीन नाम हो गए, और चौथा नाम है इसका जोकर ऑफ द किंगडम, जो आपके जगत है उसका जोकर इसको कहा जाता है। ये कुछ इसके कॉमन नेम है। माइकोप्लाज्मा के अलावा अगर इनसे बुलाया जाए इसको तो इस नाम से इसको बुला सकते हैं। इसके देखो शुरुआत से लेते अपन, सबसे पहले माइकोप्लाज्मा को लुईस पाश्चर एक वैज्ञानिक था जिसने पशुओं के अंदर देखा, कुछ पशु ऐसे थे जिनको न्यूमोनिया रोग हो गया था और उन न्यूमोनिया रोग के अंदर सबसे पहले इसकी पहचान करेगी देखा गया, लेकिन बाद में देखा कि लुईस पाश्चर है वो उसको लैब में पृथक नहीं कर पाया। देखा तो इसने था लेकिन लैब में क्या कर नहीं पाया, ये इसको सेपरेट नहीं कर पाया। कुछ समय बाद में दो वैज्ञानिक आए, एक वैज्ञानिक का नाम था नोकार्ड और दूसरा था रस्का। इसने इसको लैब के अंदर कल्चर किया, सड़े गले पदार्थों से इसको आइसोलेट किया, संवर्धित किया और संवर्धित करने के बाद में इसका नाम रखा पीपीएलओ प्लूरो न्यूमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म, यहीं से इसका नाम पड़ा क्या पीपीएलओ। उसके बाद में एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था नोवाक, नोवाक ने इसके नाम को बदल के क्या कह दिया माइकोप्लाज्मा। तीन बातें याद रखनी है यहां पर, माइकोप्लाज्मा नाम दिया था नोवाक ने, नोकार्ड ने लैब में कल्चर किया, नोकार्ड और रस्का ने वह पीपीएलओ कहा और लुईस पाश्चर ने सर्वप्रथम इस पर पता लगाया कि पशुओं के अंदर एक न्यूमोनियो लाइक बीमारी होती है और उसका कारक है वो आपके माइकोप्लाज्मा था। माइकोप्लाज्मा के कारण से ये रोग होता है। जनरल फीचर देखते हैं इसके कि इसके क्या क्या लक्षण है, माइकोप्लाज्मा के साधारण लक्षण क्या है। सिंपल देखो आपको फटाफट याद होती जाएंगी बातें। सबसे पहले मोनेरा किंगडम में पढ़ रहे हैं इसलिए ये बात तो आप आराम से याद ही रख सकते हो, पहले से याद होगी आपको कि ये क्या है प्रोकैरियोट्स हैं। दो नंबर बात क्या है यूनिसेलुलर, हालांकि यूनिसेलुलर में ये क्या रहते हैं कॉलोनी बनाकर रहते हैं, दो नंबर बातें होगी। तीसरे नंबर की बात है इमूवेबल, फिक्स रहते हैं ये इमूवेबल, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव नहीं करते, अचल होते हैं, जाते नहीं है ज्यादातर। मिलेंगे कहां पर वेस्ट मटेरियल के अंदर, सड़े गले पदार्थों के अंदर, इनके अंदर ज्यादातर इसकी उपस्थिति का पता लगाया जाता है। सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है। मोनेरा के जब करेक्टर पढ़ रहे थे तो अपन ने देखा था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल एब्सेंट है उनमें यही है माइकोप्लाज्मा, कुछ ऐसे हैं जिनमें पेप्टिडोग्लाइकन पाया जाता है बैक्टीरिया पड़ा, और कुछ ऐसे जिनमें पेप्टिडोग्लाइकन नहीं था उसके अंदर क्या पड़ा था अपने आर्क बैक्टीरिया पड़ा था। सेल वॉल क्या हो गई यहां पर एब्सेंट हो गई, सेल वॉल अब्सेंट होने के कारण ही इसकी शेप क्या है इररेगुलर है। सेल वॉल अब्सेंट होने के कारण से क्या है इसकी जो शेप है वो सही नहीं रह पाती, नियमित नहीं रह पाती, इसलिए इस कंडीशन को क्या बोलते हैं प्लियोमोर्फिक, बहुरूपता इसमें पाई जाती है और प्लियोमोर्फिक के कारण से इसको दूसरा नाम क्या दे दिया जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, वैसे किंगडम भी बोल सकते हो पर प्लांट भी ठीक रहता है यहां पर, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत का या जंतु जगत का आपके जगत का क्या बोल सकते हैं इसको जोकर बोल सकते हैं। जोकर इसलिए कि अपनी फिक्स स्थिति में रहता नहीं है, अपनी इसकी शेप कोई है नहीं, बार बार में अपनी स्थिति को बदलता रहता है, इसलिए क्या बोला इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। आगे बात करते हैं डीएनए और आरएनए, दोनों प्रकार के जेनेटिक मटेरियल मिलेंगे, दोनों मिलते हैं इसमें, लेकिन
आरएनए की मात्रा डीएनए से थोड़ी सी ज्यादा होती है, आरएनए की मात्रा ज्यादा होती है मिलते दोनों में डीएनए आरएनए। आगे कल के वीडियो में अपन ने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव पढ़ा था, तो ये कैसा बैक्टीरिया है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी, ट्रिपल लेयर, त्रिस्तरीय सेल मेम्ब्रेन होती है, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है उस सेल मेम्ब्रेन में क्या एब्सेंट है? मीजोसोम एब्सेंट है। मीजोसोम क्या था आपको याद आया होगा? मीजोसोम सेल की, सेल मेम्ब्रेन की इनर फोल्डिंग, सेल मेम्ब्रेन की इनर फोल्डिंग, सेल डिवीजन में सेप्टा फॉर्मेशन के अंदर, रेप्लिकेशन के अंदर, आपके इसमें जो रेस्पिरेटरी एंजाइम है वो सब प्रेजेंट थे, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर थी मीजोसोम, अपन ने पहले देख लिया था। तो सेल मेम्ब्रेन में मीजोसोम क्या है? यहां पर एब्सेंट है। ज्यादातर क्या होते हैं ये? सेप्रोफाइट, मतलब सड़े गले पदार्थों पर रहेंगे, या फिर क्या होंगे ये? पैरासाइट होंगे, अपना भोजन खुद नहीं बनाते, ये इसके कुछ क्या हो गए? मेन लक्षण हो गए, इस तरह से इसकी स्थिति को बताते हैं। ठीक है, सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल एब्सेंट है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। इररेगुलर शेप है, प्लियोमॉर्फिक बोल दिया, प्रोकैरियोट ही है, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर में भी कॉलोनी बना के रहेंगे, चल नहीं पाएंगे, डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं, ग्राम नेगेटिव है, सेल मेम्ब्रेन में मीजोसोम एब्सेंट है, और सेप्रोफाइट या पैरासाइट होते हैं। ये दो सवाल हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं, विभिन्न विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं कि सेल वॉल इसमें प्रेजेंट है या नहीं है, और दूसरा डीएनए और आरएनए की मात्रा पाई जाती है, डीएनए और आरएनए दोनों इसके अंदर क्या होते हैं? मिलते हैं, पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, अब इस आधार पर इसकी स्ट्रक्चर अगर आपको बनानी हो तो देखो स्ट्रक्चर आप अपने आप भी बना सकते हो। मैं हिंट दूं थोड़ा सा आपको, देखिए ट्रिपल लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीन लेयर क्या है? कोई भी आकृति आपके जच्चे जो बना दो, ये तीन लेयर क्या हो गई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हो गई। सेल वॉल इसके अंदर एब्सेंट है, डीएनए है, ये डीएनए हो गया जी, ये हो गया डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये लेयर। आरएनए की मात्रा भी पाई जाती है, ये जी क्या हो गया? आरएनए हो गया, हो गया आरएनए हो गया। उसके बाद में राइबोसोम प्रोकैरियोट है तो किस प्रकार का हो गया? 17S प्रकार का राइबोसोम हो गया। उसके बाद में ये कुछ है वसा के पिंड है, ये कुछ मेटाबॉलिक एजेंट है, और उसके बाद में कुछ यहां पर साइटोप्लाज्म की मात्रा, ये हो गया जी कौन? माइकोप्लाज्मा। एनीमिया में आपके जैसे जैसे बना दो आकृति, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर शेप है ही नहीं, ये क्या है? जोकर है किंगडम का, जोकर इसीलिए कहा जाता है कि इसके पास में कोई निश्चित आकृति नहीं है, तो स्ट्रक्चर में आपको ज्यादा माथा पच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की, देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, केवल वेजिटेटिव टाइप का, जिसके तीन प्रकार हैं। पहला फीजन के द्वारा, मतलब दो टुकड़े हो जाएंगे। दूसरा बडिंग के द्वारा, और तीसरा एलिमेंट्री बॉडी के द्वारा। इसको थोड़ा सा देखो, ये एक माइकोप्लाज्मा है, इस माइकोप्लाज्मा के ऊपर ये एलिमेंट्री बॉडी तैयार होती है। अभी इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, प्राइमरी बॉडी बोल सकते हैं, प्राइमरी बॉडी बोला जाए, बोला गया इसको। कुछ समय बाद में ये जो प्राइमरी बॉडी है थोड़ा सा आकार में बढ़ जाएगी, इसको क्या बोल दिया? सेकेंडरी बॉडी बोला। कुछ समय बाद में क्या होगा जी? कुछ समय बाद में ये और बढ़ जाएगी, इसको क्या बोला? टर्सरी बॉडी बोला। और कुछ समय बाद में ये सेपरेट हो जाएगी, और सेपरेट होने के बाद में अपना एक नया माइको प्लाज्मा बन जाएगा। किस स्थिति में? क्वार्टरनरी स्टेज में, क्वार्टरनरी स्टेज में जो पृथक हुआ उसको क्या बोला गया? एक नया माइकोप्लाज्मा। किस विधि के द्वारा? एलिमेंट्री बॉडी विधि के द्वारा। तीन है रिप्रोडक्शन के प्रकार, फीजन, बडिंग और एलिमेंट्री बॉडी। ठीक है, ये हो गया इसमें क्या? रिप्रोडक्शन। ये माइकोप्लाज्मा है, कुछ डिजीज ट्रांसमिट करता है, और डिजीज ट्रांसमिट करने का इसका क्या साधन है? कैसे डिजीज ट्रांसमिट करता है? मुख्यतः देखो तीन बातें हैं यहां पर, एक याद रखना आपको, लीफ हुपर क्या है? एक इंसेक्ट है। दूसरा, ग्राफ्टिंग जब करते हैं
प्लांटों में ग्राफ्टिंग करते हैं, कटिंग करते हैं उस कंडीशन के अंदर, और लीफ ऊपर हो गया, कटिंग हो गया, और तीसरा जो आपके अमर बेल है, क्योंकि अमर बेल है पैरासाइट है, पैरासाइट प्लांट है, खुद अपना भोजन नहीं बनाता, दूसरे प्लांट के जो है अपने स्ट्रक्चर बनती है होस्टोरिया, जिसके द्वारा दूसरे प्लांट की ये स्टेम है उसके अंदर अपनी जो बॉडी है उसको पेनिट्रेट कर देता है और वहां से रस लेता है। तो अमर बेल के द्वारा फैल सकता है ये, ग्राफ्टिंग कटिंग से, और लीफ ऊपर इंसेक्ट के द्वारा ज्यादातर कंडीशन में देखा गया है, या मैक्सिमम कंडीशन में क्या क्या स्थिति होती है कि जो आपके फ्लोएम फ्लोएम पैरेन्काइमा है और सीवी ट्यूब है, सीवी ट्यूब चाली नलिका, इसको ही अफेक्ट करता है माइकोप्लाज्मा। फ्लोएम पैरेन्काइमा और सीवी ट्यूब चाली नलिका उसको प्रभावित करते हुए इन तीन के माध्यम से डिजीज का ट्रांसमिशन हो जाता है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में स्प्रेड हो जाती है डिजीज। ये बात हो गई। अब देखिए माइकोप्लाज्मा के कुछ कॉमन डिजीज हैं, माइकोप्लाज्मा से होने वाले कुछ कॉमन रोग हैं, उन कॉमन रोग को अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला आपके जंतुओं में होने वाले और दूसरा क्या लिखेंगे, पादप में होने वाले। जंतुओं में होने वाले देखो मुर्गियां हैं, मुर्गियों में श्वसन रोग PPLO नाम से पता चल रहा है, देखो शुरू शुरू में पढ़ा था अपन ने न्यूमोनिया, तो न्यूमोनिया रोग हो गया, तो श्वसन रोग तो इसमें ज्यादातर होंगे होंगे। कई पशु हैं उनके गले में सूजन टाइप आ जाती है, सोथ वगैरह हो जाता है, उसको भी ये कारण माना जाता है माइकोप्लाज्मा। भेड़ बकरियां हैं, ये भेड़ है बकरी है या गाय है, इनमें कई बार क्या होता है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड या जो मेमोरी ग्लैंड है, उन मेमोरी ग्लैंड में कोई विकृति आ जाती है और उसके लिए जिम्मेदार होता है माइकोप्लाज्मा, और उसको बोला भी क्या बोला गया, एगेलेक्टिया डिजीज। ये अलग से याद रख लेना, एगेलेक्टिया मतलब एंडोक्राइन और मेमोरी ग्लैंड के अंदर कोई ना कोई आपके इंफेक्शन है, कोई ना कोई सूजन वगैरह है, एगेलेक्टिया भेड़ बकरी और गाय के अंदर। ये मुख्यतः जंतुओं के अंदर। मानव की बात करेंगे तो मानव में पर्टिकुलर निमोनिया टाइप तो है ही, श्वसन तंत्र का रोग। देखो ये श्वसन तंत्र का रोग जो होता है निमोनिया, ये निमोनिया बाकी निमोनिया जो फैलाते हैं उसकी तुलना में थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का है, कम नुकसानदायक है, इतना नहीं, इसलिए इसको वॉकिंग निमोनिया भी बोलते हैं, मतलब चलता फिरता ही क्या होता है, हो जाता है, सही हो जाता है, वॉकिंग निमोनिया भी बोल सकते हैं। मानव के अंदर श्वसन रोग हो गया। कई की बार जननांग के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनमें भी कई विकृति आ जाती है और सूजन आ जाती है, उसके लिए भी क्या होता है, ये माइकोप्लाज्मा जिम्मेदार होता है। और अगर कई औरतों में ज्यादा स्थिति आ जाती है तो बांझपन तक की स्थिति आ जाती है, स्टर्टिलिटी बांझपन की स्थिति आ जाती है, वो भी कारण क्या हो सकता है, माइकोप्लाज्मा। ये सब रोग किसके हैं, जंतुओं में, और जंतुओं के साथ में मानव में होने वाले रोग हैं। ठीक है जी, आगे पादप में बात करेंगे। तो पादप के लिए आप देखो ट्रिक याद कर लो, ट्रिक क्या करो, माइक्रो आर्म बेग में पकते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है, यहां समझ लो माइक्रो छोटा सूक्ष्म, इसलिए यहां क्या पढ़ लो, माई से माइकोप्लाज्मा। पहले नाम लिखो, आ से यहां पर आम है, मै से यहां पर मक्का है, बे से यहां पर बैंगन है, गे से यहां पर गन्ना है, पैसे यहां पर पपीता है, कैसे यहां पर कपास है। ठीक है जी, बाकी ये साइलेंट है, मे पे है ऐसा, आम बेग पक इतना भी आ सकते हो, आम बेग पक, आम बेग पक। ठीक है जी, आ आलू है, सॉरी आ से यहां पर आलू है, आम नहीं है, आम आम नहीं है, आम तो यहां आ गया, आलू आ से मतलब यहां पर क्या है, आलू। तो आलू का ही रोग होता है, आलू में कुर्चिसम रोग, ये भी याद कराता हूं देखो। उसके बाद में मक्का है, मक्का का बोना रोग, बैंगन है उसमें
लघुपर्णी रोग, ठीक है। गन्ना है गन्ने में धारी रोग, ठीक है। पपीता है पपीते में गुच्छित रोग, और हरितिमागम या पत्तियां छोटी होना, दो बातें हैं ये अलग अलग। ऐसे याद करना, देखो माइक्रो आम बेग पक या माइक्रो आम बेग में पकते हैं, माइक्रो से माइक्रोप्लाज्मा, आ का मतलब आलू है यहां पर, मै का मतलब मक्का है यहां पर, बे का मतलब बैंगन है यहां पर, गे का मतलब गन्ना है, पे का मतलब पपीता है, कै का मतलब कपास है। देखो आलू से आलू आम को नहीं है, कोई सम ही हुआ है तो ऐसे याद रख लो, सम को नहीं, सम को नहीं, आलू में कुर्सी सम 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 को नहीं, याद रखने की ट्रिक है ये। मक्का, मक्का कौन सो, मक्का बोना, मक्का बोना हो जाए, माइक्रो से क्या मतलब होता है, माइक्रो का मतलब छोटा ही तो है, बोना छोटा। बैंगन का भी लघु, लघु का मतलब भी क्या है, छोटा, याद रख लो। गन्ना, गन्ने में क्या है, धारी, गन्ने में वैसे धारियां होती हैं, बड़ा बड़ा गन्ना होता है तो पत्तियों के ऊपर क्या है, धारियां होती हैं, धारियां रोग हो गया। पपीता, पपीता वैसे क्या लगता है, गुच्छे में लगता है, पपीते के पेड़ आपने देखे होंगे तो वो सारे गुच्छे में पपीता लगते हैं, गुच्छित रोग हो गया। और कपास, कपास में क्या होता है कि कलर चला जाता है, हरितिमागम रोग बोलते हैं इसको, आपकी क्लोरोसिस हो गया, इसके अंदर पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं और पत्तियां कई बार छोटी हो जाती हैं। तो देखो ये याद रखिएगा, छोटी है आपके, लघु है, बोना है, सम कोनी, धारी पड़ जाए और गुच्छे में मिल जाते हैं, गुच्छा है, धारियां हैं, ये सब आपको क्या रह जाएंगे, याद रह जाएंगे। तो माइक्रो बेग, माइक्रो आम बेग में पक। दो मिनट में आपको फटाफट मैं रिवीजन करवा देता हूं सारा का सारा। माइकोप्लाज्मा कॉमन नेम याद कर लो इसका, कैसे, पीपीएलओ बोला गया, जोकर बोला गया, सेल लेस बोला गया, आपके सेल कोट लेस बैक्टीरिया बोला गया, सबसे पहले लुईस पास्टर आया था, उसके बाद में नोकार्ड वायरस का आया, नोवाक ने क्या किया इसके माइकोप्लाज्मा कहा, जबकि नोकार्ड वायरस का ने क्या कहा था इसको, पीपीएलओ कहा था। सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन ट्रिपल लेयर की होती है, डीएनए आरएनए दोनों पाए जाते हैं। एक चीज और बता दूं, यहां पर एक क्वेश्चन आया हुआ था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दूं, एक क्वेश्चन आया हुआ था कि इसकी ग्रोथ करवाई जा सकती है लैब में, इजीली इसकी ग्रोथ लैब में हो जाती है, इसीलिए इसकी ग्रोथ लैब के अंदर करवाई जा सकती है, पर इसकी ग्रोथ करवाने के लिए एक कंपाउंड होता है, एक आपके माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जिसको बोला जाता है स्टीरोल। इसकी ग्रोथ के लिए स्टीरोल की आवश्यकता पड़ेगी। एक बात और याद आ गई, ग्राम नेगेटिव है, मीजोसोम एब्सेंट होगा, किसी भी आपके एंजाइम के प्रति लेस सेंसिटिव होता है, क्योंकि सेल वॉल इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट नहीं है। राइबोसोम यहाँ पर 17 प्रकार का होता है, स्ट्रक्चर आप इजीली इसकी बना सकते हो, डीएनए आरएनए दोनों पाए जाते हैं, आरएनए की मात्रा ज्यादा होती है, लीफ ऊपर के द्वारा, कटिंग के द्वारा, आपके ग्राफ्टिंग के द्वारा, अमर बेल के द्वारा इसका संचरण होता है। रिप्रोडक्शन के तीन प्रकार है, पहला कौन सा है, फिजन है, दूसरा बडिंग है, तीसरा क्या है, तीसरा एलिमेंट्री बॉडी के द्वारा है। दोनों में रोग फैलता है पशुओं में और आपके किसमें, पशुओं में और सॉरी जंतुओं में और किसमें, पादप के अंदर, पादप के माइक्रो आम बेग पक पड़ा था अपन ने, और जंतुओं में अधिकतर शोष है, शोथ है, श्वसन से संबंधित है, रोग फैलते हैं। मानव के अंदर जननांग संबंधित बंधता आ जाती है, बांझ बना जाता है, और श्वसन संबंधी रोग इसके अंदर हो सकते हैं। ये सब बातें यहाँ पर अपन ने देख ली। पुराने वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो सारे वीडियो एक दूसरे से लिंक है, तो एक बार उनको भी प्लेलिस्ट में जाकर सभी के सभी नंबर लगा रखे हैं मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सारे के सारे नंबर से वीडियो देखें, नोट्स बनाते जाएं, कोई भी समस्या है आप कमेंट कर सकते हैं और मेरे से कुछ सवाल पूछ सकते हैं, जैसे आपकी अगर कोई क्वेरी आती है तो। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखेंगे। शुभरात्रि, सब्बा खैर।